वेलकम स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास नाइन्थ, लेक्चर नंबर 5। क्लास नाइन्थ, ठीक है। इसमें क्या करना, हमें कल न्यूमेरिकल कर रहे थे चैप्टर 8 के एनसीईआरटी के, और हमारा कितना हो गया न्यूमेरिकल, कहाँ तक हो गया भाई? शायद क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवाना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फॉर 8 सेकेंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ये क्वेश्चन है भाई हमारा, क्या है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका क्या हुआ भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड, और ओनली एक्सलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्सलरेशन है भाई यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। एक्सलरेशन की वैल्यू है डिस्टेंस, टाइम की वैल्यू दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है 3 मीटर, सॉरी टाइम है भाई 8 सेकेंड, ये टाइम की वैल्यू दे रखी, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी, तो एक हमें फॉर्मूला पता है क्या, कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर न्यूटन सेकेंड लॉ, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अरे नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड है भाई, मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो वहां से यूज किया। वैल्यू पुट कर दो, यू की वैल्यू 0 तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, 1/2, एक्सलरेशन कितना है 3, टाइम कितना है 8 × 8, डिस्टेंस आ जाएगी 4, कितना हो गया 96 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था, कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो इनिशियली रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यू की वैल्यू मीन्स ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, यू की वैल्यू कितनी होगी 0, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड, टाइम 8 सेकंड दे रखा, डिस्टेंस निकालनी थी, निकालते हमने आसान सिंपल, पहले टर्म 0 हो जाएगी, आ जाए कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसमें, स्टेटमेंट लंबी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन छोटा है स्टेटमेंट ज्यादा लंबी दे रहे। क्वेश्चन नंबर 5, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सलरेट
यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली इन ऑपोजिट डायरेक्शन द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड ऑन द सेम ग्राफ पेपर. एक तो भाई हमें ग्राफ पेपर पे इसको ज्यादा लंबी स्टेटमेंट नहीं करते हैं, ये वैल्यू दे रखी है. पहली चीज क्या फाइंड आउट करनी है, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, और सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच कार ट्रेवल ए हायर डिस्टेंस लॉन्गर डिस्टेंस After brakes applied. तो भी दो स्पीड दे रखी है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अभी हम. स्टेटमेंट से देख के मत घबराना, जितनी लंबी स्टेटमेंट दिख रही है क्वेश्चन उतना ही आसान है हमारे पास. ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको ग्राफ पेपर पे पहले तो रिप्रेजेंट करना है. ग्राफ पेपर किस किस के बीच में बनेगा भाई, ये हम स्पीड और ये क्या मान लिया, टाइम. अब टाइम किस में है, सेकंड में है. स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है. अब हम इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीटर पर सेकंड में यदि कन्वर्ट करना हो तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं. शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमारे पास यदि कोई भी वैल्यू दे रखी हो, जैसे यही दे रखी, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे. कार ए मान लिया पहले को, तो स्पीड कितनी दे रखी है भाई, 52 किलोमीटर पर आवर, या हम इसको लिख सकते 52 इंटू 5 बाई 18, ये लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में हो गया. अब ये सेकंड हमारे पास, अब टाइम कितना दे रखा है, टाइम है इसमें 5 सेकंड हमारे पास. अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको पहले चेंज कर लो तो आएगा 14.4 मीटर आ जाएगा भाई. 14.4 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में. अब यदि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इधर, एक दो तीन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये इधर से आएगा, पॉइंट है इधर. और टाइम कितना है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम है. तो ये तो देखो एक का आ गया ग्राफ, ठीक है, एक्स कार के लिए. और दूसरा कितना दे रखा है भाई हमारे पास, कार बी इज इक्वल टू कितनी है भाई, 3 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 3 × 5/18, ये करेंगे तो 0.83 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगी, कितनी आ जाएगी. और टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, 3 सेकेंड. तो इसको यदि हम करते हैं तो ये तो 1 से नीचे है तो ये यहाँ से का आएगा भाई, और यहाँ से टाइम कितना है, 3 सेकेंड.
ये अब इस तरीके से आया हमारे पास 10 सेकेंड है इसमें, सॉरी आगे तक आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। अब जब हमारे पास भी ग्राफ आ जाए ना, तो एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस ट्रेवल जो हमें निकालनी, सपोज करो हमें इसके लिए निकालनी है फर्स्ट, तो यहां पे सीधा फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/2, इसका बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है, बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी 14.4, ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, ए की डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आ गया। अब इसको यदि हम करते हैं 7.2, थर्टी सिक्स के आसपास आएगा भाई, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, ये आ गया हमारे पास। सेकंड यदि हम करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, तो 1/2 बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी आ जाएगी भाई 0.83 भाई 15, 1 ये आ जाएगी हमारे पास, इसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। देखो फोर एट ट्वेल्व ये किलोमीटर में डिस्टेंस है हमारे पास, और ये टाइम है आवर में 0.2 फिर 0.4 से स्टार्ट है भाई 0.8 1.2 और 1.6 एक इस तरीके से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है ऐसे, और एक यहाँ से स्टार्ट होके इस तरीके से जा रहा है। तीन कार है हमारे पास, सपोज करो ए, ये सी और ये बी, तीन कार दे रखी है और ये है, इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे इसने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि विच ट्रैवल फास्टर भाई, ये है, ये बिल्कुल सीधी जा रही, सबसे ज्यादा सबसे आगे कौन है, सबसे ज्यादा किसने डिस्टेंस ट्रेवल की है बी ने, तो सबसे तेज कौन कर चल रही है बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कार बी। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑल आर आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट
ऑन द रोड। 3 एक जगह पे कहीं पे भी नहीं मिल रही, यहाँ पे भी 2 मिले हुए हैं, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 3, 3 एक जगह कहीं पे भी इकट्ठे नहीं हुए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो नन ऑफ देम मीट एट सेम पॉइंट। नेक्स्ट, हाउ हैज फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासिस ए, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें पहले लिख लेते हैं, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासिस ए। अगला है क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। ये है भाई हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, हमें ये बताना है पहला क्या है, हाउ फार सी हैज ट्रेवल व्हेन बी पासिस ए। तो यदि हम यहां से बात करें ये थोड़ा ठीक नहीं है, अदरवाइज इसके हिसाब से जो यहां पे बन रहा है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, नियर अबाउट 9 to 10 किलोमीटर, कि उसने 9 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। हाउ फार हैज ट्रेवल बी बाय द टाइम व्हेन इट पासिस सी। बी देखो यहां पे है, जब ये सी को क्रॉस करके ऊपर की साइड जा रहा है, तो यहां पे टाइम बताना है, तो नियर अबाउट कितना कहेंगे हम, 0.6 आवर उसने ट्रेवल की थी जब हम इसको क्रॉस करके जा रहे थे। ये थे चारों क्वेश्चन इस पे। नेक्स्ट देखो, आसान ही है, ग्राफ देख के क्वेश्चन बताने बता सकते हो आप लोग। क्वेश्चन 7, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर विद व्हाट वेलोसिटी will it strike the ground after what time will it strike the ground। ये हमारे पास भाई क्या बताना हमें, कोई भी एक बॉल है उसको ऊपर से छोड़ा गया है, मतलब इनिशियली वो क्या था भाई, रेस्ट में था। सॉल्यूशन यदि हम बात करें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल u इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास उसकी, 0। हाइट
कितनी दे रखी है भाई, यहाँ पे एस का काम करेगी हाइट। सपोज करो देखो यहाँ पे बॉल है, तो जो हाइट है यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब ये एस की वैल्यू होगी कितनी है वो 20 मीटर। 20 मीटर एक्सलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। व्हाट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, u की वैल्यू 0, v square is equal to 2 into 10 into 20, कितना हो गया 400 v square, और v is equal to 20 meter per second, भाई कितना आ गया 20 meter per second। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, टाइम की वैल्यू निकालनी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती, v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10, टाइम की निकालनी, t इज इक्वल टू 20/10 2 सेकेंड। ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करके हम इसको खत्म करते। थैंक यू।